بسم الله الرحمن الرحيم. मौत के बाद फिर क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, यह जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए मिट्टी हो गए। इन्ना लमर्दूदून फिल हाफिरा इज़ा कुन्ना उज़ामन नखिरा। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि पानामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया, कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया, हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इसे कौन जिंदा करेगा? आसमैन वायल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला ऐसे, तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई, तो उसको फूंक मारी तो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा, तेरा रब इसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा, कहा इस कमबख्त को बता, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन। देखो इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया, आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदारब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युहयिल उज़ाम व हिया रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। قل يحييها الذي أنشأها أول مرة, बताओ मेरे हबीब के इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वह بكل خلق عليم, हर मखलूक पर उसकी नजर है, अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती, 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है, अंधेरा है, और उसमें खरब हा खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, गिजा भी पहुंचाता है, किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला यअज़ब अन रब्बिक मिन मिथ्क़ाल ज़र्रा, एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। अयनमा तकूनू यअतिबकुमुल्लाहु जमीअ, जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है, मैं मुख्तसर मुख्तसर हर चीज का जवाब कुरान से दे रहा हूँ। मौत के बाद क्या है, तो मेरा रब कहता है यौमनु सय्युरुल जिबाल। मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत। अभी मारता हूँ एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है, इज़ा वक़अति लवाक़िआ, उसने होना है, लैसा लवाक़अतिहा काज़िबा, उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुटला कोई नहीं सकता। खाफ़िदतुर राफ़िआ, कुछ ऊंचे कुछ नीचे, कैसे होगा, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जमीन में जलजला, व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, फ़कानत हबा मुनबस्सा, और पहाड़ थर थराए कप कपाए और रेजा रेजा हो गए। ये एक दिन आने वाला है, यौम तशक्ककु समा, आसमान फटेगा, इज़ा समा उन फतरत, व इज़ल कवाकिब तफरत, व इज़ल बिहारु फुज्जरत, व इज़ल कुबूरु बुअसरत, हर शय उखड़ उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया, इज़ा शम्सु कुव्वरत, सूरज, व इज़ल नुजूमु कदरत, सितारे, व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़, व इज़ल इशारु उत्तल, जानवर, व इज़ल बिहारु सुज्जरत, ये तुम्हारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है, व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है, सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? हालांकि अल्लाह को पता कौन बाकी, जमीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए चार फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है, और चार फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी, कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे
अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी, तो वो कहेंगे या अल्लाह ये जिब्रील मिकाईल इसराफील और तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मिकाईल मर जाएं तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा अर्श या अल्लाह जिब्रील मिकाईल को बचा लो। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उसकत फ़कत कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, चुप हो जाओ मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। ये क्या दुनिया है, ये क्या दुनिया है, किसके पीछे ईमान के सौदे हो रहे हैं, किसके पीछे झूठ बोल बोल के माल बेचे जा रहे हैं, किसके पीछे रिश्ते और नातों को तोड़ा जा रहा है, किसके पीछे भाई भाई से लड़ रहा है, ये क्या है, ये क्या धोखा है, ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला। गुजर जाओ इससे अपनी आखिरत का सामान तैयार करते हुए। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी, कहेगा या अल्लाह इसराफील और तेरा गुलाम। इसराफील के हाथ में वो सूर है जो जो फूंक रहा होगा, तो अल्लाह तो कहेगा इसराफील मर जाए, वो गया इसराफील, और जो सूर था वो उड़कर जैसे ये फानूस लटका हुआ छत के साथ ऐसे अर्श के साथ जाकर वो लटक जाएगा सूर। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी, तो अब मलकुल मौत की टांगे कांपने लग जाएंगी, सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई, क्योंकि अल्लाह सब तो ऊपर तू है और नीचे मैं हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा मत मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक खल्क मिन खल्क। तो मलकुल मौत एक चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान होते तो फट जाते, वो पहले ही फट चुके हैं। सबको मौत देने के बाद अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरे मुकाबले तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात, कोई मेरे मुकाबले में है तो आओ आओ। मन कान अली शरीक अनफलियात, कोई मेरे मुकाबले है तो आओ आओ। कौन आए, सबको तो मौत दे चुका है। फिर अल्लाह जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक मैं बादशाह हूं। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूं कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बर। फिर अल्लाह ताला कहेगा ऐनल मुलूक बादशाह कहाँ है, ऐनल जब्बारून जालिम कहाँ है, ऐनल मुतकब्बरून तकब्बर करने वाले कहाँ हैं, लिमनिल मुल्कुल यौम आज बादशाह कौन है, कोई हो तो जवाब दे। फिर अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, जिसे जवाल नहीं जवाल नहीं। अब्बासी खलीफा वासिक बिल्ला मरने लगा 32 साल की उम्र में, तो जब मौत ने जब बड़ा जालिम था, बड़े उलमा शहीद के उस खल्क कुरान के मसलम, तो जब मौत ने झटका दिया था या मल्ला यजाल मुल्क हो इरहम मन जाल मुल्क हो, ए वो बादशाह जिसका मुल्क ख़त्म नहीं हो सकता, उस पर रहम कर जिसका मुल्क ख़त्म हो गया, मुल्क ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ताला कहेगा इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व अनल लदी उईदुहा, मैंने दुनिया को बनाया मैंने मिटाया, अब दोबारा जिंदा करूंगा। अब अगला मरहला आ गया, वो कैसे होगा, वो भी अल्लाह ने कुरान में बताया, वो कैसे होगा। यौम नुसय्यिरुल जिबाल, हम पहाड़ों को हटा देंगे, समंदर मिटा देंगे, व थरल अर्द बारिजा, जमीन नंगी होगी खुली, न पहाड़ न सहरा न दरिया न समंदर न झील न साउथ पोल न नॉर्थ पोल, जहां बर्फ जमी हुए। का अन सफ सफा व हशर ना हम, और फिर मैं तुम्हें जमा करूंगा। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, किस लिए, लकद अहसाहुम, मैंने घेरे में लिया होगा। व अद्दहुम अद्दा, एक एक को गिन गिन के उठाऊंगा। वकुल्लुन आती है यौमल कियामत फर्दा, और आज तुम सब अकेले अकेले मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे। वलकद जितमूना फरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, मैंने तुम्हें जैसे माँ के पेट से तनहा निकाला था आज तुम्हें तनहा निकालूंगा। औरातन हुफातन गुरलन, ये हदीस के अल्फाज हैं, नंगे बदन नंगे सर नंगे पांव
अल्लाह ताला उठाएगा कब्रों से। हो 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 हो, कब्र फटेगी, कब्र फटेगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे ओ ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरकदिना, कुरान सूरह यासीन, कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा सोर, कैसे जमा करेगा, यौमइज़िन तुअरदून ला तख़्फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश हो गए, कोई छुप ना सके, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा, वजा रब्बुक वल मलक सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहले आसमान, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सातों आसमान के फरिश्ते आएंगे, फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजा रब्बुक वल मलक सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, आठ फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, आठ फरिश्तों ने, आज अब चार हैं उस दिन आठ होंगे, उन्होंने उठाया हुआ होगा, और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज़ और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश, क्या नबी क्या शहीद क्या बड़े क्या छोटे। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश आए, मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श को अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए, या अल्लाह ने उनको बेहोश ही नहीं किया उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी, जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, अब थोड़ा दिखा दे, तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आया। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आएगा, फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा, अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, फिर अल्लाह अपने फरमा उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा, फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा, उसके बाद कौन है, डॉक्टर साहब, सदर साहब, वजीर साहब, कौन, उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए, मुअज्जिन वो तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी, उसके बाद अल्लाह ताला मुअज्जिन को कपड़े पहनाए, फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा, फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तुलकुम मुंज़ अन खलक्तुकुम इला यौम अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पनामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा तुम्हारी सुनता रहा, फल यौम अनसतुली, आज मैं बोलूँगा तुम सुनोगे, हज़िहि सुहफ़ुकुम तुक़्रौ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ, यौम तुबला सराइर फ़मा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ, रात को जिना हो रहा है पर्दे डाल रहा है, रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है पर्दे डाल रहा है, एक रात को नंगा नाश देख रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है अल्लाह पर्दा डाल रहा है, एक सच बोल के बेच रहा है अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है, लेकिन कहा यौम तुबला सराइर, आज हम पर्दे उठा दें, हम कहेंगे वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज ना फरमानों को अलग कर दो, ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतुल मुत्तकीन, फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, व बुर्रज़िल जहीम लिल गावीन, फिर अरब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, फिर अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू, व नज़अ अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामा,
फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ। युजाउ बिब्ने आदम यौम अल-क़ियामह फयूक़फ़ु बैना यदै अल्लाह तआला कअन्नहु बज़ज। हर आदमी को फरिश्ते मर्द को औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फीहा। मेरे बंदे तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ ना भेजा वो कहेगा या रब जमातहु व समरतहु व तरकतहु अक्सर माकान। या अल्लाह वो तो मैं वहीं पानामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाज़त हो तो मैं ले आऊँ। तो अल्लाह कहेगा पानामा तो मिट चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं वो नहीं, अरे नहीं माधा कदम था, जो पीछे छोड़ के आए हो मैं उसका सवाल नहीं कर रहा, जो आज लाए हो वो किधर है, लाओ भाई उसकी अच्छाई भी लाओ बुराई भी लाओ नेकी भी लाओ गुनाह भी लाओ अच्छा भी लाओ बुरा भी लाओ झूठ भी लाओ सच भी लाओ आज लाओ, बंदगी भी लाओ गफलत भी लाओ जुल्म भी लाओ अदल भी लाओ, हर चीज़ को तोलो। दुनिया में आप चीज़ें तोलते हो, आखिरत में अल्लाह अमल तोलेगा। हाय हाय जिसके अमल घट गए और गुनाह बढ़ गए, तो अल्लाह अकबर एक फरिश्ता ऐलान करेगा इन फुला न फुला कद खफ्फत मवाज़ीन हो व शकिय शकाअन ला यसद बादहु अबदा। फलां फलां का बेटा फलां फलां की बेटी उसकी नेकियां घट गईं, वो हार गया वो हार गई, अब ये कभी कामयाब ना होगा। तो अल्लाह कहेगा खुदो हो पकड़ो। तो पुलिस आती है पकड़ हथकड़ी लगाती है, तो अल्लाह की पुलिस आएगी वो कैसे पकड़ेगी, मुझे देखो मेरी तरफ देखो। तो अल्लाह की पुलिस आएगी तो मुजरिम को यहाँ से पकड़ेगी, यहाँ से यहाँ हाथ डालेंगे यहाँ और उसको ऐसे खींचेंगे ठक, तो उसका पूरा जबड़ा बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे गिरेगा चक्कर खाता हुआ, फिर उठकर कहेगा रहम करो रहम करो रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया हम कैसे कर। तो सराबीलहुम मिन कतरान आग का लिबास पहनाओ, व तख्शा वुजूहहुम नार आग की टोपी पहनाओ, यौम नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा इन्हें भूखे प्यासे आग में डाल दो, यौम नश्रुल मुत्तकीन इला रहमान वफदा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। नेकों के जाने का तरीका और होगा, नाफरमानों के जाने का तरीका और होगा। कोई औरत गलत होगी हार जाएगी तो उसको मुंह में हार नहीं डालेंगे, उसको सर की चोटी से पकड़ेंगे बालों से और उसको ऐसे झटका देंगे, तो ऐसे कलाबाजियां खाती हुई गिरेगी, कहेगी रहम करो रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया हम कहाँ से रहम कर। ये हारे हुए लोग हैं, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। और अगर उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं ओहो तो मेरा रब ऐलान, तो फरिश्ता ऐलान करेगा फलां फलां का बेटा कामयाब हो गया नेकियां बढ़ गई मुबारक हो मुबारक हो। तो मेरा रब कहेगा क्या कहेगा, कुरान से ही सुनो। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आ गया ये कामयाबी की निशानी नेकियां बढ़ गईं, तो एक नारा लगाएगा। आदमी जब खुश होता है तो नारे मारता है ना, जब ज्यादा खुशी चढ़ती है तो नारे लगाता है, तो छोटे बच्चे भी खुश होते हैं तो चीखना शुरू कर दो हू हा करते हैं। तो जब वो देखेगा कि मेरे लिए जन्नत हो गई तो एक नारा लगाएगा हो, तो वो कहेंगे तुम्हें क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके नारे को कुरान ने लफ्ज बना दिया, उसके नारे को कुरान ने लफ्ज बनाया। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आया फयकूल हो उमुकरऊ किताबिया। वो एक नारा, ये जो हा ओम है ये लफ्ज ना ये नारा है, हो तो वो कहेंगे क्या हुआ, कहेगा इकरऊ किताबिया मेरा पेपर देखो मैं पास हो चुका हूं
मैं पास हो चुका हूं, मैं पास हो चुका हूं, मेरा पेपर देखो। वो कहेगा तू कैसे पास हो गया, कहेगा इन्नी धनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा रब पानामा में मेरा टेस्ट ले रहा है, मैं तैयारी करता रहा, मैं खाली डॉलर नहीं जोड़ता रहा, मैं तैयारी करता रहा। तो अब अल्लाह का जवाब आ रहा है, अब अल्लाह कह रहा है फहुवा फी ईशत राज़िया फी जन्नत आलिया कुतूफहा दानिया कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ्तुम फिल अय्याम अल खालिया। मेरे बंदे को जन्नत मुबारक हो, मेरे बंदे को आला जिंदगी मुबारक हो, आली शान जन्नत मुबारक हो, जन्नत के तोहफे जन्नत के फल मुबारक हों, जिसके गुच्छे लटके हुए तुम्हारे सरों के ऊपर मुबारक हों। या आपके अंगूर का गुच्छा इतना सा होता है ना, देखा ना इतना सा होता है, अभी रोज़ाना खाने पर नज़र आता है इतना सा गुच्छा होता है। तो एक बद्दू ने अल्लाह के नबी से पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत में अंगूर हैं, आपने कहा हैं, वो कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होता है, तो आपने कहा एक कौवा, एक कौवा एक महीना सीधा उड़ता 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 जहां पहुंचेगा उतना बड़ा जन्नत के अंगूर का एक गुच्छा होगा।